तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये आईसी का हमारा आगे का पार्ट है कि जो आज हम लोग जो समझेंगे। तो ये मैंने आपको दोस्तों जो वीडियो लेकर के आया हूँ या सीरीज लेकर के आया हूँ, ये टोटल आईसी के ऊपर लेकर के आया हूँ कि मोबाइल फ़ोन जो है जितने भी सारी आईसियाँ होती हैं या वो आईसी सारी टोटल वर्किंग कैसे करती हैं, या आईसी को काम करने का तरीका क्या होता है, या आईसी को वर्किंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये आईसी के ऊपर होने वाला है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आईसी होती हैं उनको पहचाना कैसे जाता है, या मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारी आईसी हैं वो काम कैसे करती हैं। दोस्तों मैं आईसी के बारे में पूरा सीरीज लेकर गया हूँ, मैं आईसी के बारे में पूरा ए से लेकर जेड तक आईसी के बारे में मैं आपको टोटल आपको इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ताकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं उनको आईसी में प्रॉब्लम आती है, तो लोग वीडियो के माध्यम से आईसी के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो आईसी के बारे में जो लेकर के आ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको सिखाया जाता है। जब आप मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी चीज़ों के बारे में वन बाई स्टेप बाई स्टेप आप सीख करके जाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो भी आगे की चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ, उसका तरीका सिखाता हूँ, उसका आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो आईसी, तो हम लोग बात कर रहे हैं आईसी की इन्फॉर्मेशन। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फ़ोन में आईसी जो होती हैं उनकी पिन की काउंटिंग कैसे करी जाती है, आईसी खराब या सही के बारे में कैसे पता चलता है। आज दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं या जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, उन सारे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर कितनी तरह की आईसी लगी होती है। सबसे पहली बात क्या है आईसी की, हम लोग आज इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे आईसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आज टोटल जो दोस्तों हम लोग जो सीखने वाले हैं वो आईसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि हमारे स्मार्टफोन जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कितने प्रकार की आईसी लगी होती हैं। अच्छा, जो कितने प्रकार की आईसी लगी होती हैं उन सारी आईसी के बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कौन सी आईसी कैसे काम करती है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है, अगर वो आईसी खराब हो गई तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, या उस आईसी पे कितना वोल्टेज होता है, क्या उसका इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, और बोर्ड में पहचानने का तरीका क्या होता है। दूसरी बात, अगर वो आईसी खराब हो जाएगी तो आपके पास मोबाइल फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आईसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहली बात, जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं सारे बोर्ड के अंदर मेन चीज जो आईसी लगी होती है वो हमारी सीपीयू आईसी लगी होती है। जो सीपीयू आईसी होती है, जो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के सीपीयू आईसी कमांडिंग का काम करती है, कंट्रोलिंग का काम करती है, ये जितने भी सारे सेक्शन होते हैं उन सारे सेक्शन पे कमांड ही रखती है, तो ये सीपीयू का काम रहता है। और सभी मोबाइल फोन में सीपीयू पाया जाता है और सीपीयू को ही हम लोग चिपसेट बोलते हैं। सीपीयू को क्या बोलते हैं हम लोग? चिपसेट। हमारे पास जितने भी रेडमी के मोबाइल फोन, एमआई, वीवो, ओप्पो या ए टू जेड कोई भी कंपनी का मोबाइल फोन आता है, चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो, सभी कंपनी के अंदर खास तरीके के चिप का इस्तेमाल किया जाता है। उस चिप का नाम, जो चिप होती है उस चिप की कंपनी का जो नाम होता है उसी कंपनी के नाम को हम लोग सीपीयू नाम से उसको बुलाते हैं, प्रोसेसर नाम से बुलाते हैं। और वो चिप एक कंपनी होती है, वो जो कंपनी अपना एक प्लेटफॉर्म लेकर के एक मोबाइल फ़ोन को बनाती है, या जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन है, जितने लोग रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन है, अगर रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन कभी अगर ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन को देख करके अगर रिपेयरिंग करेंगे, ओप्पो, वीवो, एमआई को देख करके रिपेयरिंग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि खास तौर पर बेहतर रिपेयरिंग को सीख सकते हैं। अगर उनको बेहतर रिपेयरिंग सीखनी है, एक स्मार्ट रिपेयरिंग सीखनी है, अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन में रिपेयर काम करना सीखना है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर चिपसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चिपसेट एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, चिपसेट एक तरीके का आप कह सकते हैं विचारधारा है, चिपसेट एक तरीके का कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का काम करने या करवाने का एक लॉजिक सर्किट है। आप ऐसा इस बात को अपने तरीके से कह सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए हमारे दुनिया जान में बहुत सारी पार्टी हैं जो दुनिया जान में विकास करना चाहती हैं, ऐसी कोई पार्टी ये नहीं कहती कि मैं विकास नहीं करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जेडीयू, दुनिया जान की कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सारी चीज़ यही कहती है कि हम देश का विकास करेंगे। लेकिन हर एक पार्टी का अपना एजेंडा है,
उसकी अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, चाहे वो MI हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, चाहे एप्पल हो, चाहे नोकिया हो, चाहे सैमसंग हो, किसी भी कंपनी का कोई भी मोबाइल फोन हो, सभी मोबाइल फोन का काम एक ही है, फोन में यूज करना, सेलफोन यूज करना, कॉलिंग करना, इंटरनेट यूज करना, एप्लीकेशन को यूज करना, फीचर्स को यूज करना। ऐसा नहीं कि जो सैमसंग के अंदर फीचर है तो ओप्पो में नहीं, ओप्पो में फीचर है तो वीवो में नहीं, वीवो में फीचर है तो आईफोन में नहीं। सारे समथिंग सारे फीचर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का जो तरीका होता है, फंक्शनल होता है, वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। अच्छा, वो थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस होता है, उस चेंजेस के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग CPU या चिपसेट कह सकते हैं, या इसके हिसाब से ही हमारे मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, और उन चीज़ों को हम लोग इसके डिटेल में हम लोग सीखेंगे। ये तो ये पहला चिपसेट होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं, अगली IC लगी होती है, जिसको हम लोग MMC IC बोलते हैं, जिसको हम लोग Flash IC नाम से भी कह सकते हैं, या जिसको हम लोग MSAP या आप उसको UFS नाम से, किसी कई सारे अलग अलग नामों से आप उसको बुला सकते हैं। लेकिन जब मोबाइल फोन में बात करते हैं, तो ये एक मोबाइल फोन में एज ए स्टोरेज की तरह IC लगी होती है, जो मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर को स्टोर करने का काम करती है, या इसके अंदर आप कह सकते हैं, अगर आपको मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर स्टोर करना है तो आपके लिए कौन सी IC होनी चाहिए, MMC IC होनी चाहिए। इसके बारे में जो डिटेल है वो हम आगे एक एक करके पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। अभी हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद अगली IC आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर IC। पावर IC जो होती है, जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर सप्लाई देने का काम करती है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन को, अगर ऐसा कोई चीज़ नहीं जो काम ना करंट के बिना काम कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो जब तक उसको सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो उसको सप्लाई देने के लिए ही कंपनी ने पावर IC लगाई है। ये पावर IC कितने तरीके के होते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, किस तरीके के मोबाइल फोन में पावर IC लगी होती हैं, उनके नंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पावर IC कैसे चेंज करते हैं, दूसरी बात क्या, पावर का ऑपरेटिंग क्या होता है, कैसे उसमें इनपुट आता है, कैसे आउटपुट जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पावर IC के बारे में डिटेल से करके जानेंगे। जो तुम्हारी पावर IC आती है, वो पावर IC भी चिपसेट के हिसाब से बनी होती है। अगर क्वालिकॉम का CPU लगा है तो क्वालिकॉम की पावर IC लगी है, मीडियाटेक का CPU लगा है तो मीडियाटेक की पावर IC लगी है। इस तरीके से जितने भी मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट्स होते हैं, सारे चिपसेट की अपने अपने अलग अलग पावर IC आती हैं, और सारी पावर IC को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाई स्टेप पहचानते हैं और उसको हम लोग चेक करते हैं। पावर IC के बाद अगली IC आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग IC। पावर IC के बाद हम लोग अगली IC जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग IC। चार्जिंग IC हमारे मोबाइल फोन में क्या काम करती है, बैटरी को चार्ज को स्टोर करने का काम करती है, बैटरी चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है, या उसके अलावा और भी मोबाइल फोन में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिनको पावर IC सप्लाई, सॉरी चार्जिंग IC सप्लाई देती है, जिससे पावर IC चालू होती है, या इस तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में चार्जिंग IC के जब टॉपिक आपको बताएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर करेंगे। अभी हम लोग IC के इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर अगली IC होती है, जिसको हम लोग PFO IC बोलते हैं। PFO IC जो होती है मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है, नेटवर्क लाने का काम करती है, इसके ख़राब होने से फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते। तो PFO IC के बारे में, अब इसको बोर्ड में कैसे काम करती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इसको हम बोर्ड में पहचानेंगे कैसे, इसका प्रैक्टिकल भी हम आपको कराएंगे। उसके बाद अगली IC आती है, जिसको हम लोग WTR कहते हैं, या इसको हम लोग RF IC नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग नेटवर्क IC भी कहते हैं। तो ये जो नेटवर्क लाने का कनेक्टिंग का काम करती है, तो WTR क्या है, RF क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद फिर आपके मोबाइल फोन में अगली IC आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट IC। लाइट IC होती है जो डिस्प्ले में रोशनी जलाने काम करती है, जो आपके मोबाइल फोन में रोशनी आती है, ब्राइटनेस आती है, डिस्प्ले में जो लाइट दिखाई देती है, लाइट जलाने का काम करती है। उसके बाद आपकी अगली IC आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंगर IC। रिंगर IC जो होती है, जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में रिंगर कैसे काम करेगा, रिंगर काम करने का तरीका क्या है, या मोबाइल फोन में गाने कैसे बजते हैं, ये जो भी सारी चीजें होती है, वो इन सब चीजों को IC हमारी मैनेज करती है, जिसको हम लोग रिंगर IC कहते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो अगली IC आती है,
जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक आईसी। ग्राफिक आईसी जो होती है जो डिस्प्ले में फिगर्स लाने काम करती है, चित्र लाने काम करती है, या इससे खराब होने से डिस्प्ले में ग्राफिक्स वगैरह नहीं आते, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये ग्राफिक आईसी होती है। ग्राफिक आईसी के बाद फिर आपकी अगली आईसी होती है जिसको हम लोग वाईफाई नाम से जानते हैं। वाईफाई आईसी जो वाईफाई होती है, या इसको ब्लूटूथ एफएम के लिए भी यूज होती है, जीपीएस के लिए यूज होती है, तो एक पूरा पर्टिकुलर सेक्शन बना होता है। तो वाईफाई आईसी होती है जो मोबाइल फोन में वाईफाई को चलाने काम करती है, वाईफाई कनेक्टिविटी का काम करती है, इसका अलग से सेक्शन बना होता है। इस तरीके से ये भी हमारे मोबाइल फोन में आईसी लगी होती हैं। तो हमारे बोर्ड के अंदर जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इतनी तरीके के जो मोस्टली आईसी होती हैं जो मेन वर्किंग करती हैं, वो इस तरीके की आईसी आपके मोबाइल फोन में लगी होती हैं। अच्छा, ये सारी जितनी भी आईसी होती हैं, सारी आईसी हमारे मोबाइल फोन को कंट्रोल करती हैं, हमारे मोबाइल फोन को चलाती हैं, और इनके आईसी के हिसाब से ही हमारे मोबाइल फोन में अलग अलग सर्किट बने होते हैं, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। उन सेक्शन के हिसाब से ही हम लोग मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करते हैं, या मोबाइल फोन में आने वाली समस्याओं को हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कितने सारी आईसियाँ बताई हैं, 10 तरीके की ऐसी आईसी बताई हैं जो हमारे जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, सारे स्मार्ट मोबाइल फोन में इन आईसियों का उपयोग होता है। और इन आईसियों के खराब होने से अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी आती है, उन प्रॉब्लम को हम लोग रिपेयर भी करते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हमारे बोर्ड के अंदर कितनी तरीके की आईसी लगी होती हैं, वो आईसी के बारे में इंफॉर्मेशन कि आईसी कितने तरीके की होती हैं। अब लोग दोस्तों मैं आपको आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जितनी भी सारी आईसी लगी होती हैं, वो सारी आईसी के बारे में टोटल मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि वो आईसी काम कैसे करती है, इस आईसी का काम करने का तरीका क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, और मोबाइल फोन में आप कैसे पहचान सकते हैं कि इस मोबाइल फोन में आईसी लगी, तो ये आईसी मैं दूसरे मोबाइल फोन में कैसे ढूंढ सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल की बात है, अगर मान लिया मेरे पास कोई एक आईसी लगी है BQ2501, अगर ये आईसी लगी तो मुझको ये आईसी कौन कौन से मोबाइल फोन में मिल सकती है। मान लिया मेरे पास मोबाइल फोन आया, इस मोबाइल फोन के अंदर जो एक आईसी लगी है, इस आईसी को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि ये आईसी कौन से मोबाइल फोन में मिल सकती है, किस किस मोबाइल फोन में आईसी लगी होगी, ताकि इससे रहेगा ताकि जब हम लोग रिपेयरिंग करने बैठेंगे, आईसी का काम करने बैठेंगे, तो भाई प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया कि इसकी चार्जिंग आईसी खराब है, इस आईसी के नंबर ही है। अब बात यहाँ पर आती है, आएगी कहाँ से, मार्केट से आएगी। अगर मार्केट में नहीं मिल पाता तो कौन से बोर्ड में लगी होगी, कौन से मोबाइल फोन से निकालनी होगी, या हमारे पास अगर 100 मोबाइल फोन होते हैं तो 100 मोबाइल फोन को खोल खोल के नहीं देखते किस मोबाइल फोन में आईसी है कि नहीं है कि नहीं, उसका क्या तरीका होता है कि कैसे आप एक बार में ही आईसीओ को ढूंढ लेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको टोटली एक एक करके आपको वीडियो दूंगा, आपको समझाऊंगा, और पूरा एक एक करके मैं आपको डिटेल से इसके बारे में, सारी आईसी के बारे में आपको समझाऊंगा कि आपके मोबाइल फोन में सीपीयू आईसी कैसे काम करती है, एमएमसी कैसे काम करती है, पावर कैसे काम करती है, चार्जिंग कैसे काम करती है, पीएफओ कैसे काम करती है, डब्ल्यूटीआर कैसे काम करती है, लाइट आईसी कैसे काम करती है, रिंगर आईसी कैसे काम करती है, ग्राफिक आईसी कैसे काम करती है, और वाईफाई कैसे काम करती है। तो जितने भी सारी आईसी होती हैं, सारी आईसीओ का काम करने का तरीका क्या होता है, उनका पूरा फॉर्मेट क्या है, उनका पूरा सिद्धांत क्या है, एक एक करके मैं आपको टोटल आपको डिटेल में आपको दूंगा। ये हमारे आईसी का दूसरा पार्ट का वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट के बारे में आपको डाला था, ये दूसरे पार्ट का वीडियो है। जितने भी सारे जो भी सारे स्टूडेंट्स लोग हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को अच्छे से देखें। सर मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं पढ़ाता, सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ ताकि उस टॉपिक को आप नोट कर सकें, अच्छे से समझ सकें। अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6391711711, 6391211211। इन दोनों नंबर पर, किसी भी नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी बात क्या, ये जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं, मेरे पास बहुत ऐसे टेक्नीशियन भाई हैं, बहुत ऐसे रिपेयरिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आज लोग अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप को चला रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करते समय मोबाइल फ़ोन बेसिकली ही काम कर पाते हैं, लेकिन जब किसी आईसीओ की बात आती है तो वहाँ पर उनका हाथ पीछे आ जाता है। क्यों तो पीछे आ जाता है, क्योंकि उन्होंने इसका काम किया नहीं, उनको इसके बारे में किसी से सिखाया नहीं, या उनको इसके बारे में कहीं से अच्छे सीखने से नहीं मिला। तो जब तक किसी भी चीज़ के बारे में सर आपको अच्छे से सीखने को नहीं मिलता, तो हिम्मत नहीं बनती। हिम्मत बनने का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता, अगर आपके सामने कोई भी बाइक खड़ी कर दी जाए तो अच्छी बुरी वो अलग बात है, लेकिन आप उसको इधर उधर हिलाएंगे डुलाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे, क्योंकि बाइक चलाने नहीं आता तो उसमें काहे को हाथ छेड़ना। उसी तरीके से क्या है,
जब आईसीयू के बारे में आपको काम नहीं आता, आईसीयू के बारे में आप काम नहीं कर पाते, तो उसमें आप हाथ भी नहीं डालते हो, हाथ डालने से डरते भी हो। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो में इतनी हेल्पफुल देने वाला हूँ, ताकि अगर वीडियो इतनी सारी वीडियो को देख लेंगे, आईसीयू के बारे में कम से कम मैं 15 से 20 वीडियो आपको देने वाला हूँ, अगर आप सारा वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ आप आईसीयू के मास्टर बन जाएंगे। आईसीयू को रिवॉल्व तक कैसे किया जाता है, आईसीयू को चेंज कैसे किया जाता है, आईसीयू को बदला कैसे जाता, सब चीज़ के बारे में मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। वीडियो जितने भी सारे स्टूडेंट लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और अच्छा समझ में आ रहा है और जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर पर मैसेज करें। या बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोग जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं या कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। या बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहता हूँ, तो अगर आप प्लीज़ मैसेज नहीं कर सकते तो आप जो मैसेज है आप नंबर पर ज़रूर करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और आप इन्फॉर्मेशन ले भी सकें। और दिन में अगर कभी फ्री होते हैं तो वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल दोनों नंबर पर, किसी भी नंबर पर वीडियो कॉल करें, आप क्लास देख सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं कैसे रिपेयरिंग करी जाती है, कैसे रिपेयरिंग सीखते हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो लोग कैसे रिपेयरिंग सीखते हैं, ऐसा आप ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। जो भी आपके दिमाग के अंदर डाउट्स हैं, अरे यार मैं रिपेयरिंग कैसे सीखूंगा, सीखने का तरीका क्या होगा, क्या क्या सारी बातें सिखाई जाएंगी, कैसे हम लोग काम करेंगे, अरे वो सीखने जाएंगे तो वहाँ सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या तरीका होगा सर का सिखाने का, क्या क्या चीज़ें होती है मोबाइल फ़ोन में, क्या क्या हमको सीखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएँ, जितने भी दिमाग के अंदर डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये बात मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।